इस वीडियो में हम लोको ब्रेक के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। यहाँ हम इसका इंट्रोडक्शन, वर्किंग और वर्किंग डायग्राम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। SA9 लोको में ब्रेक लगाने के लिए SA9 का इस्तेमाल करते हैं। SA9 वॉल्व को ऑपरेट करने के लिए SA9 हैंडल दोनों कैब में लोको पायलट के साइड लगा रहता है। दिए गए फिगर में SA9 हैंडल दिखाया गया है। अब इसकी हम वर्किंग देखते हैं। SA9 हैंडल के दो पोजीशन हैं, रिलीज और एप्लीकेशन। रिलीज पर ब्रेक नहीं लगा रहता है और एप्लीकेशन पोजीशन पर 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से ब्रेक लगा रहता है। SA9 के द्वारा ब्रेक लगने की फुल प्रक्रिया हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये Wag7 के लोको ब्रेक SA9 का वर्किंग डायग्राम है। हम पहले इसके मुख्य मुख्य पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये कैब वन का लोको ब्रेक है तथा ये कैब टू का लोको ब्रेक है। इनका हैंडल इनके ऊपर दिखाया गया है। ठीक इसके नीचे इसका इनलेट और आउटलेट आइसोलेटिंग कॉक दिखाया गया है। वर्किंग कैप के SA9 का इनलेट और आउटलेट आइसोलेटिंग कॉक ओपन रहता है तथा नॉन वर्किंग कैप में SA9 का इनलेट और आउटलेट आइसोलेटिंग कॉक क्लोज्ड रहता है। SA9 मेन रिजर्वायर का प्रेशर ड्रॉप करके 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर बना देता है तथा SA9 में एक एग्जॉस्ट पोर्ट भी होता है। ये MU2B वॉल्व है। ये थ्रो एंड थ्रो पैसेज वॉल्व है। इसके दो पोजीशन हैं, लीड एंड ट्रेल। इनर्जाइज लोको में इसे लीड पोजीशन पर रखते हैं। ये डबल चेक वॉल्व है। ये एक बैलेंसिंग वॉल्व है। इसके तीन कनेक्शन होते हैं, एक MU2B से, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्व से और तीसरा सी टू रिले वॉल्व से जुड़ा रहता है। ये सी टू रिले वॉल्व है। इसमें डायफ्राम लगा रहता है जो SA9 से आ रही प्रेशर से ऑपरेट होकर विभिन्न साइजेज में खुलता है। इसमें लगा डायफ्राम MR टैंक से आ रही हवा को डायरेक्ट ब्रेक सिलेंडर में भेजता है। जो SA9 से आ रही प्रेशर से ऑपरेट होकर विभिन्न साइजेज में खुलता है। इसमें लगा डायफ्राम MR टैंक से आ रही हवा को डायरेक्ट ब्रेक सिलेंडर में भेजता है। SA9 में जितना प्रेशर C2 रिले वॉल्व तक पहुंचता है, उतना ही एयर प्रेशर डायफ्राम MR से पास होने देती है। ये ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को मेजर करने वाला गेज है। लोको में टोटल 8 ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं, बोगी वन में 4 तथा बोगी टू में 4। ये बोगी वन के ब्रेक सिलेंडर का आइसोलेटिंग कॉक है तथा ये बोगी टू के ब्रेक सिलेंडर का आइसोलेटिंग कॉक है। ये व्हील नंबर 6 के पास लगा रहता है तथा ये व्हील नंबर 7 के पास लगा रहता है। अब इस ब्रेक एप्लीकेशन सिस्टम का प्रोसेस देखते हैं। मेन रिजर्वायर से प्रेशर इनलेट वॉल्व से होते हुए SA9 तक पहुंचती है। SA9 रिलीज पोजीशन पर है तो प्रेशर इसके अंदर नहीं जाएगी तथा उस वक्त SA9 में लगा एग्जॉस्ट पोर्ट खुला रहेगा। जब हम SA9 को एप्लीकेशन पोजीशन पर रखते हैं तो उसका एग्जॉस्ट पोर्ट बंद हो जाता है और साथ ही MR का एयर प्रेशर SA9 वॉल्व से होते हुए आउटलेट कॉक तक पहुंचती है। फिर यहाँ से MU2V वॉल्व तक पहुँचती है। MU2V वॉल्व से पास होते हुए यह डबल चेक वॉल्व तक पहुँचती है। फिर यहाँ से पास होते हुए यह C2 रिले वॉल्व तक पहुँचती है, जिससे C2 रिले वॉल्व का एग्जॉस्ट पोर्ट बंद हो जाता है और साथ ही डायफ्राम खुल जाता है। डायफ्राम के खुलने पर MR से हवा का प्रेशर C2 रिले वॉल्व से होते हुए ब्रेक सिलेंडर में चला जाता है।
जिससे ब्रेक लग जाती है। अब हम इस ब्रेक रिलीज पोजीशन सिस्टम को देखते हैं कि हम ब्रेक को रिलीज करते हैं तो क्या होता है। अब SA9 हैंडल को रिलीज पोजीशन पर ले जाते हैं जिससे MR की हवा SA9 से पास होना बंद हो जाती है और SA9 का एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाता है। अब C2 रिले वॉल्व तक आने वाली हवा SA9 के एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकल जाती है। C2 रिले वॉल्व में एयर प्रेशर खत्म होने से यह डायफ्राम को बंद कर देती है जिससे MR का हवा का आना बंद हो जाता है और साथ ही C2 रिले वॉल्व अपना एग्जॉस्ट पोर्ट भी खोल देती है जिससे ब्रेक सिलेंडर में रुकी हुई हवा का प्रेशर बाहर निकल जाता है। ब्रेक सिलेंडर से हवा का प्रेशर बाहर निकलते ही ब्रेक रिलीज हो जाती है। इसी के साथ इसका सिस्टम कंप्लीट होता है। SA9 से जुड़े नोट्स आपको नीचे दिए गए लिंक में मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम A9 के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।